हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। श्वेता शिंदे विनर तो बन चुकी है बिग बॉस 11 की, लेकिन यहाँ से उनकी लाइफ क्या होगी, क्या नया होगा या फिर उनकी लाइफ पहले कैसी थी, ये सभी के जहन में एक सवाल होगा। तो मैं वो विकिपीडिया लेकर तो बातें नहीं करूंगा कि भैया इसने ये सीरियल किया वो सीरियल किया, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि बिग बॉस के बाद उनकी लाइफ किस तरह से चेंज होने वाली है और बिग बॉस के पहले उनके साथ जो गड़बड़ हुआ था क्या सीन हुआ था। करीबन 2 साल पहले की बात है, बिग बॉस करने से पहले शिल्पा शिंदे बहुत फेमस थी, भाभी जी घर पर है शो के लिए, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज इस शो पर जाते थे प्रमोशंस करने, और 1 से 1.5 साल उन्हें हो गया था शो करते करते, 1 साल लगभग हो गया था। और एक तो महाराष्ट्रीयन है, उनका जो कानपुरी एसेंट है लोगों को बहुत पसंद आया था जिस तरह से वो बात करती थी, तो बहुत पॉपुलर हो गया था और सही पकड़े हैं उनका जो डायलॉग है वो बहुत ही तकिया कलाम जिसे हम कहते हैं वो हो गया था, घरों घर घर में लोग देखते थे, दिल जीत लेती थी शिल्पा शिंदे। अचानक हुआ कि मैंने खुद उस टाइम में, मैं जब न्यूज रिपोर्टर्स था, लिखता था न्यूज वगैरह, तो मुझे सुनने में आया कि यार ये क्या सीन चालू है, शिल्पा शिंदे ने शो छोड़ दिया, शिल्पा शिंदे ज्यादा पैसे मांग रही है, शिल्पा शिंदे ये, शिल्पा शिंदे वो, शिल्पा शिंदे को एटीट्यूड आ गया, शिल्पा शिंदे ये कर रही वो कर रही पॉपुलर होने के बाद। फिर प्रोड्यूसर्स का भी फिर बयान आया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही उसको ज्यादा पैसे चाहिए, हम लोग तो उसको शो में रखने को तैयार है डबल पैसे टेबल पैसे में। तो 2 तरह के बयान बहुत ज्यादा आए और ये सब बात इतनी बढ़ गई कि शो के प्रोड्यूसर्स ने निकाल दिया, ऐसा खबरें आई। उसके बाद ये हुआ कि शिल्पा शिंदे ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सभी को बताया कि उनके साथ क्या क्या बुरा हुआ है, और उसके बाद ज्यादा तवज्जो नहीं मिली उन्हें फिर भी शिल्पा शिंदे को, शायद उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद जो सिंटा होता है, सिंटा एक एजेंसी है जो एक्टर्स को ऑफिशियली रिक्रूट करता है, रिक्रूट मतलब जैसे कि मैं सीधा चले जाऊंगा काम करने कोई सीरियल में तो मुझे नहीं लेंगे, मेरे पास सिंटा का एक मेंबरशिप या एक कार्ड होना चाहिए जो मिल जाता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं बट वो मिल जाता है, तो एफिलिएटेड होता है, मतलब वो बताता है कि भैया ये आर्टिस्ट काम कर सकता है। एक बार सिंटा ने कह दिया कि ये बंदा किसी भी सीरियल में काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, और वो तब करते हैं लोग जब कोई वॉयलेशन कोई कर देता है, कोई बहुत ज्यादा हंगामा या गड़बड़ कर देता है। तो ऐसी सेम शिल्पा शिंदे के ऊपर ये लग गया कि सिंटा वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह दिया कि शिल्पा शिंदे को आज के बाद कभी भी काम नहीं दिया जाएगा टेलीविजन सीरियल्स में। तो ये तो ऐसी हो गई कि आसमान से गिरा आके खजूर में लटका, बोलते ना आसमान से गिर के लटका खजूर में आकर, तो वैसी हालत हो गई थी शिल्पा शिंदे की। फिर उन्हें बिग बॉस जरा भी पसंद नहीं था, उन्होंने कहा कि चलिए जब किस्मत दरवाजा खटखटाती है ना, तो कुंडी लगा के नहीं बैठते दरवाजे पे, पता नहीं मैं कैसे कैसे मुहावरे बोल रहा बट आज आदत में बोल रहा हूँ। तो फिर शिल्पा शिंदे ने वो कुंडी खोली, किस्मत आई, बोली भैया बिग बॉस करना है आपको, करेंगे आप? हाँ सही पकड़े, क्यों नहीं करूंगी। तो शिल्पा शिंदे ने बिग बॉस में आई, बिग बॉस में 1 महीना तो जिस तरह से उन्होंने क्लास ली विकास गुप्ता की, लोगों को लगा कि सखिया गई क्या, पगला गई है क्या, ये लेडी क्या कर रही है ये। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सीनियर है तो फिर मतलब लैंग्वेज उसका उस वो मतलब नहीं कि मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, खास से लेडीज है महिला है उनकी तो बहुत ज्यादा। तो फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि नहीं, शिल्पा शिंदे जो भी कर रही है सही कर रही है, क्योंकि अगर सही नहीं करती तो उन्हें कोई जिताता थोड़ी, इंडिया की पब्लिक इतनी पागल बेवकूफ नहीं है कि किसी को भी जिता दे भारी वोटों से, ट्विटर पे ट्रेंड करा दे, लाखों लाखों लोग रिट्वीट करें, उसे फॉलो करें, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, हर जगह उनका नाम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब बंदा जेन्यून है, लोगों के दिल को छू लेगा, तो भैया सभी कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, जैसे आइडिया नेटवर्क की तरह। मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा बट ऐसा बोलने का मतलब ऐसा, चलो जियो कर लेता हूँ, जियो यूज कर, ठीक है। तो कनेक्शन लोगों का बहुत ज्यादा जुड़ गया और हाई स्पीड में जुड़ गया, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, कुछ लोगों तो जो उनके फैन थे स्पेशली दिन रात वोट करने लगे, ऐसा सीन हो गया। अब शिल्पा शिंदे जीत गई है, अब यहाँ से उनकी लाइफ में क्या होगा वो बात करते हैं। एक चीज तो यहाँ पर साफ है कि किस्मत कभी भी पलट सकती है, आप हिम्मत मत हारे। 1.5-2 साल के एक स्ट्रगलिंग फेज के बाद जब उन्हें कोई नहीं पूछता था, यानी कि उनको कोई सीरियल में काम नहीं, सब क्यों बैन कर दिया सिंटा ने, अब उन्हें जब कलर्स ने लेकर आया तो पॉपुलर हो गई है। अब जो हालम है, अब मैं बताता हूं उनकी लाइफ में आने वाले 10 साल
इतना काम होगा उनको, इतना काम होगा कि उनके पास वक्त नहीं होगा। और यहाँ पर एक और चीज कहूँ कि शिल्पा शिंदे ऐसी विनर नहीं कि जिनको लोग भूल जाएंगे इतना जल्दी। बाकी विनर्स की बात करें, बाकी विनर्स ऑफकोर्स पॉपुलर थे, कुछ कुछ थे, लेकिन शिल्पा शिंदे की पॉपुलैरिटी ने एक अलग ही लेवल छू लिया। सलमान खान ने जब होस्टिंग करने आए ग्रैंड फिनाले की, सलमान खान ने ये बोला, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिग बॉस सीजन, जो अलग ही लेवल पे जा चुका है। यानी कि अलग ही लेवल क्या, दैट मीन्स उनका कहने का मतलब ये है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीजन है। और एट द एंड अलविदा लेते लेते सलमान ने ये कहा कि बहुत ही जल्द वो मिलेंगे 9 से 10 महीने बाद बिग बॉस 12 में। क्यों कहा, जब सलमान को पसंद ही नहीं बिग बॉस करना, कई बार मना कर जो नहीं ये कलर्स वाले आ जाते हैं, मैं हाथ पैर पकड़ लेते, बोलते भैया आपको ही करना है। तो अब खुद सलमान ने कहा कि उन्हें पता है ये कितना पॉपुलर सीरियल वो हो चुका है रियलिटी शो, कि उन्हें भी उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब यहाँ पर शिल्पा शिंदे के पास फिल्में आएंगी, शिल्पा शिंदे के बाद ब्रांड एंडोर्समेंट आएंगे, हर बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप, हर बड़े बड़े मॉल, हर जगह उनके इवेंट्स होंगे और स्पेशल गेस्ट में शिल्पा आएंगी। तो उनकी जो चांदी बोलते ना पांचों या घी में, जो मैं आज कहावत है पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, पांचों या घी में जो हो जाती है ना, वैसे बोलते हैं कि हर जगह से पैसे आए, तो वैसे वाली चीजें हो जाएगी उनके साथ। और शिल्पा शिंदे हाल फिलहाल ने कहा कि वो कोशिश करेंगे टीवी पे ना काम करते हुए मूवीज वगैरह करें, और मूवीज वगैरह उन्हें जरूर मिलेंगी क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है। कम से कम 19 साल उन्होंने काम किया है टीवी सीरियल में, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं 1999 से उन्होंने काम करना चालू किया है, और आपको पता ही 2018 अभी भी काम कर रही है, और लोगों ने उनमें एक अच्छाई देखी जो हर कोई इंसान देखना चाहता है किसी दूसरे इंसान में, जो बहुत ही कम दिखती है। तो उनके पास मूवीज होंगी, सीरियल्स होंगे, सीरियल्स तो होंगे उनके ऊपर है, एंडोर्समेंट हो गया है, एडवर्टाइजमेंट बहुत सारा, बाकी सब चीजें जो बता दिया मैंने आपको, यानी कि 10 साल भाभी जी राज करेंगी, टीवी की दुनिया हो, बॉलीवुड की दुनिया हो, या जो बाकी नॉर्मल पब्लिक लाइफ की दुनिया हो। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या, नाम और नामा बहुत कम लोगों को मिलता है, नाम यानी कि शोहरत फेम, और नामा यानी कि शोहरत फेम, और बाकी नाम यानी कि पैसा वैसा, मतलब दोनों चीज, मतलब पैसा और शोहरत, ये दोनों को बहुत कम लोगों को मिलता है। और ये शिल्पा शिंदे को एक साल फिर से मिला है, उन्होंने इंटरव्यूज में भी कहा कि उन्हें बिग बॉस ने उन्हें नई लाइफ दे दी, जरूर वो पसंद नहीं करती थी पहले देखना भी, लेकिन बिग बॉस ने उन्हें एक नई लाइफ दे दी। तो आपको क्या कहना है इस पूरी चीजों के बारे में जानकर कि शिल्पा शिंदे की लाइफ किस तरह से ट्रैक चेंज हो गया, एक लाइफ वापस से बदल गई है। ये लाइफ हर किसी की है, कभी भी चेंज हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव रहे, हार्डवर्क करते रहे, स्ट्रगल आएगा लेकिन स्ट्रगल के बाद जीत भी आएगी, बोलते हैं डर के आगे जीत है या हार के आगे जीत है, तो वैसे ही आई होप कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग भी लगा होगा आपको, समझ भी आया होगा आपको, बट स्ट्रगल करना ना छोड़े कभी भी। और मेरे ख्याल से शिल्पा शिंदे की लाइफ एक अच्छा खासा उससे एग्जांपल है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल कितना ही।